आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 जिले व 3 संभागों की घोषणा की है। इस घोषणा को लेकर पूरे राजस्थान में खुशी का माहौल है। जहां जहां जिलों की घोषणा हुई है वहां सभी जगह खुशियां मनाई जा रही है। इसी को लेकर नागौर जिले में डीडवाड़ा कुचामन संयुक्त जिले की घोषणा भी हुई है। संयुक्त जिले की घोषणा को लेकर जगह जगह खुशी का माहौल है। पूरे डीडवाड़ा शहर में जगह जगह खुशियां मनाई जा रही है। हॉस्पिटल, चौराहा, बस स्टैंड, नगर पालिका, सभी जगह खुशियां मनाई जा रही है। जमकर आतिशबाजी की जा रही है, जमकर फटाखे फोड़े जा रहे हैं, वहीं एक दूसरे का मुंह मिठा कराकर बधाइयां दी जा रही है। वहीं डीडवाड़ा विधायक चेतन डूडी राजस्थान के मुख्यमंत्री व समस्त कार्यकर्ताओं को भी जनता बधाइयां दे रही है। डीडवाड़ा को जिला बनाने को लेकर हम आपके लिए लाए हैं डीडवाड़ा से बड़ी खबर। पूरी खबर देखते रहिए पूरी कवरेज के साथ। हरि सिंह चौहान डीडवाड़ा की रिपोर्ट के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। डीडवाड़ा में खुशी का माहौल है। जनप्रतिनिधि सभी खुशियां मना रहे हैं। डीडवाड़ा के पार्षद, नेतागण सभी खुशियां मना रहे हैं। सभी डीडवाड़ा की जनता एक हो चुकी है। जिले बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी, उसको आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरा कर दिया है। पूरी जनता खुशियां मना रही है, जमकर आतिशबाजी कर रही है, जमकर डीजे की धुन पर डांस कर रही है। देखिए पूरी खबर वीडियो के माध्यम से क्या कहा जनता ने, कहां कहां मनाई जा रही है डीडवाड़ा में जिला बनाने को लेकर खुशियां।
हमारे लिए बड़े गौरव और खुशी की बात है। कांग्रेस सरकार में हमारे स्थानीय विधायक ने जो भी मेहनत की, कोशिश की, खुशी का प्रतिफल है। हमारे सभी टीडवाना तहसील के नागरिकों के लिए इससे बड़ी खुशी की और गर्व की बात क्या हो सकती है। लंबे समय से डीडोना को जिला बनाने की मांग चल रही थी, वो आज मांग पूरी हो चुकी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो जिला बनाने की मांग चल रही थी, हमारे स्थानीय विधायक, हमारे लाडले विधायक चेतन जी टूटी के जो प्रयास थे, उन्होंने अपनी 4 साल की मेहनत करके डीडोना को जिला बना दिया। इसके लिए पूरी डीडोना की जनता उनको धन्यवाद ज्ञापित करती है और माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित करती है जिन्होंने इस डीडोना को जिला बनाया। ये मांग पुरजोर से पिछले 8 सालों से चल रही थी, जिसको हमारे माननीय विधायक मोदी ने पूरी की है। उनका हम पूरी नगर पालिका, पूरी डीडोना की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज डीडोना जिला बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय एमएलए साहब ने बहुत ज्यादा कोशिश करने के आज जिला बना, उनका आभार व्यक्त करते हैं। गहलोत सरकार का, उनका अशोक गहलोत जी सरकार का उनका आभार व्यक्त करते हैं। काफी ये मांग थी जो आज हमारे एमएलए साहब ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी ये मांग पूरी की और जो हमसे वादा किया था वो वादा आज पूरा किया हमारे एमएलए साहब। डीडवाना जिले की घोषणा हुई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, डीडवाना जिले की घोषणा के लिए सबसे पहले डीडवाना विधायक श्रीमान चेतन जी टूटी को मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद देता हूँ और सीएम साहब का भी इसका आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने डीडवाना को जिला बनाया और बहुत पुराने समय से डीडवाना की मांग थी और कांग्रेस सरकार ने आज ये सर्वप्रथम पूरी की है। इसके लिए कांग्रेस सरकार और स्थानीय विधायक श्रीमान चेतन जी डूटी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिला बनने से डीडवाना व लाडनू और आसपास के क्षेत्रों कुचामन, डीडवाना, लाडनू व अन्य तहसीलों के लोगों को भी या पब्लिक जो सामान्य ग्रामीण है, आम जन को ये बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और ये कांग्रेस सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और चेतन डूटी के लिए सबसे ज़्यादा। चेतन डोडी जिंदाबाद, चेतन डोडी जिंदाबाद, चेतन डोडी जिंदाबाद। डीडोना जो वर्ष पुरानी मांग थी, 10 सालों से चल रही थी डीडोना जिला बनाने की, आज हमारे स्थानीय विधायक लाडले विधायक चेतन जी डूडी ने जो मांग पूरी की है, उसके लिए हम नगर पालिका डीडोना, डीडोना की जनता तहे दिल से उनका धन्यवाद ज्ञापित करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने हमारे विधायक मोदी की मांग पर जिला बनाया, इसके लिए मुख्यमंत्री मोदी बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये आशा करते हैं मुख्यमंत्री मोदी भविष्य में भी डीडवाना की तरह हमेशा ध्यान रखेंगे, हमारे विधायक मोदी का ध्यान रखेंगे और आगामी गवर्नमेंट में हमारे विधायक मोदी को मंत्री अवश्य बनाएंगे। धन्यवाद। डीडवाना जिला बना है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हमारा जिला बनने लायक था, बनेगा, बना था, अथक प्रयासों से, एमएलए के अथक प्रयासों से।